नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का ये वीडियो पथरी के रोगियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आप एक ऐसा सरल नुस्खा, एक ऐसा असरदार नुस्खा बताइए जिसका हम मात्र 5 से 7 दिनों तक इस्तेमाल करके अपनी पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों वैसे लोगों के लिए, वैसे क्वेश्चन जिनके दिमाग में है, तो वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूँगा आपको बिल्कुल घर पर ही आसानी से मिल जाएगा, बाज़ार से खरीदने की किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करेंगे और किस प्रकार से हम इसका सेवन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इसे किस प्रकार से तैयार करना होगा। इसे तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आधे गिलास की मात्रा में नॉर्मल पानी की। इस पानी में हम सबसे पहला इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नींबू की। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे गुर्दे की पथरी को बिल्कुल आसानी से और महीन तोड़ने का काम करता है। इस नींबू के मदद से ही आपकी पथरी बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाएगी, वो भी किडनी की यानी कि गुर्दे की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें आधी कटी नींबू का जूस इस पानी में ऐड कर लेना होगा। तो इसमें हमने ऐड कर लिया इस नींबू के जूस को। आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप इसमें काला नमक या साधारण नमक ज़रूर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नमक की मदद से वो बिल्कुल गलेगा और गलकर आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों ये पौधा। जी हाँ, आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये है दूधी का। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे दुग्धी का और कहीं कहीं पर इसे दूधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पौधा आपको आसपास के खेतों में या सड़क के किनारे बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और आपको इसी पौधे को तोड़कर लेकर आना है और इसका पीसकर आपको जूस निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही इसका यहाँ पर पीसकर जूस निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम लगभग 1 चम्मच की मात्रा में इसके जूस को इस पानी में हम ऐड कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें इसका सेवन किस प्रकार से करना है। दोस्तों इसका सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। जब आप सुबह उठें तो फ्रेश हो जाएं और फ्रेश होने के बाद से इसे तैयार करें और तैयार करने के बाद से आप इसे पी जाएं। दोस्तों ऐसा मात्र 4 से 5 दिन तक अगर आप रोजाना सुबह और शाम को करेंगे तो आप अपनी पथरी की समस्या से बिल्कुल आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। अगर आप बड़ी पथरी की समस्या से परेशान हैं तो रात्रि में भोजन करने के आधे घंटे बाद इसे तैयार करके और तुरंत ही इसे पी जाना है। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।